बादशाह इतने कर खरीदने यार। ए भाई 200 रुपए तेरा बाप देगा पुराना। मुझे तेरी बच्ची को आइसक्रीम खिलाई थी। अबे बादशाह क्या हो गया तेरे को यार, आज तक तेरे भाई ने किसी के बाप का खाया जो तेरा खाया था? सस्ती बात कर दी यार। बादशाह चल तो इसने बस खरीदते यार। ओह नो। अबे वैसे भी बादशाह तेरे पैसे सारे नानू को दे ले यार। नानू आपने सुबह से कुछ नहीं बोला, अब तो कुछ बोले बोला मंगू छुरी मार देगा अपने आप को। मैंने इतना तब बोला? मैंने बोला नानू थोड़ा सा हंस लो। मैं छुरी ज्यादा बोला ही नहीं। क्या मैं हंसू किस लिए? इसलिए कि हमारे कश्मीर में माओं की बेटे छीने जा रहे, इसलिए? या बेटा मैं इसलिए हंसू कि किसी के बाप की बेटी की इज्जत उसके सामने लूटी जा रही है। किस लिए हंसू? तो नानू हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। बेटा मेरा एक सवाल है, तुम लोगों को जब टट्टी आती है तो कहाँ जाते हो? अपने तो खुले में जाते। तेरे को बता हर चीज से पहले माहौल बनाना बड़ा जरूरी होता है, फिर ही मजा आता है। तो पहले माहौल बनाते फिर जाते। नहीं वैसे सब बाथरूम में। हाँ बाथरूम में जाते। बाथरूम का और कश्मीर का क्या कनेक्शन है? ना तो कोई ताल्लुक है, दोनों का ताल्लुक है। आती है तो जाते हो ना, वो किस लिए बनाई है? इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। जब हम सब ने मिल के सोचा तो बाथरूम बन गया ना, टट्टी का मसला भी हल हो गया ना, तो ये मसला क्यों नहीं हल हो सकता? नानू सब चुप है, हमारी गवर्नमेंट चुप है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी चुप है, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करें? दो बात है। फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना, हम भी चुपचाप बैठ जाए ना उनको मरता हुआ देखे। जब हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो हम क्या करें? जब भाई का बेटा वजूद में नहीं होता है, फेसबुक पे पोस्ट आ जाता है कि मुबारक हो तुम्हारा भाई चाचा बन गया। किसी बेटी का बाप राजी हो ना हो, इंस्टाग्राम पे पहले पोस्ट आएगा माय फ्यूचर वाइफ। नहीं ना फ्यूचर वाइफ क्यों बादशाह? हाँ पता है। हाँ बराबर घर में इंतकाल हो जाए तो वहाँ बाद में जाना है, पहले इनको ट्वीट करना है कि फीलिंग से। और हाँ मैं अभी तो मैंने बच्ची डे, चॉकलेट डे, बर्थडे, वैलेंटाइन डे को छोड़ दिया है, लेकिन नानू सिर्फ 3 लोग थे, उतने भी एक ईद माँ थे, बाकी दोनों बेवा तो जितता होगा। नानू हम पोस्टिंग स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन हम तो 2-3 हैं, हमारे 3-4 पोस्ट से क्या हो जाएगा? कश्मीर आजाद हो जाएगा। बेटा ये बात कोई 2-3 पोस्ट की नहीं है, बात यूनिटी की है। जब लाइक लेने के लिए अपनी पिक्चर दोस्तों से शेयर करवा सकते हो तो ये तो खून में डूबा कश्मीर है। हर बंदा ये नहीं छूट सकता है कि मेरे एक पोस्ट से क्या होएगा, क्योंकि दूसरों पर कीचड़ उछालने से बेहतर है खुद पर नजर रखो। हमने क्या कर लिया कश्मीर के लिए?